आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो जब भी आए ना आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू पुट्टू कपल ब्लॉग। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं दौलताबाद फोर्ट में, तो अभी चलते हैं अंदर। इतना ऊपर कौन जाएगा भाई, मेरा तो पेशेंस नहीं है जाने का। तू जाएगी क्या लिटू इतना ऊपर? मुझे कोई प्लेन में उड़ा कर ले जाएगा तो मैं पता नहीं। हम लोग कैसे बोलते हैं नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर चले ही जाते हैं। चलो आज मतलब हम लोग कितना घूम गए। मुझे जाना था पठानी साड़ी सिल्क फैक्ट्री में, लेकिन वो भी नहीं जा पाई ये बॉयज लोगों के वजह से, क्योंकि उन लोगों को जाना ही नहीं, उनको सिर्फ फोर्ट मंदिर ही जाना है। और तीनों मैं सोच रही थी इतना रेड है, लेकिन यहाँ पे कलर लगाए हुए सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। टिकट फीस वगैरह है नहीं है मैं आपको बताती हूँ। कोई एंट्री फीस नहीं है शायद, इसका कोई एंट्री फीस है क्या? जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंट्री फीस है कि नहीं है। हाँ है। तो यहाँ पे एंट्री फीस है 25 रुपीज पर पर्सन, 1 to 5 पर्सन। सो गाइस, टिकट ले लिए हम लोग 6 लोग, लेकिन ये क्या 5 टिकट दिया है क्या? नहीं 6 टिकट है। तो चलो अंदर चल के घूमते हैं। लिट्टू पकड़, ये तेरी जिम्मेदारी। सो एक किले का एक छोटा सा हिस्ट्री है जो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। ये किला 900 साल पुराना है और ये किले को देवगिरी फोर्ट भी बोला जाता है। आज तक ये किला को कोई नहीं जीता, तो जो भी हमला करता है उसको पहले बहुत सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। तो क्या क्या है मैं बताती हूँ। ये किला 1 किलोमीटर दूर है मेन गेट से, और मेन गेट कोई पार भी कर लिया तो वहाँ से उसको बहुत सारे मुसीबतों का सामना करके ऊपर जाना है। तो मैं आपको क्या क्या मुसीबत है वो बताती हूँ। जैसे कि 1 किलोमीटर दूर मेन गेट है, अगर मेन गेट कोई तोड़ के अंदर घुस भी गया तो उसको 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, वो भी ऊपर की तरफ चढ़ के जाना पड़ेगा उसको। अगर वो मेन गेट पार करके अंदर घुस भी गया तो बहुत सारा छोटा छोटा गेट है जिसको तोपों के बीच से पार करना पड़ेगा। अगर वो भी कोई पार कर लिया ना तो 100 फीट गहरा एक खाई है, तालाब है, जिसमें मगरमच्छ और स्नैक्स है। और जो ब्रिज बनाया गया, अगर कोई हमला करता है तो वो ब्रिज को बंद कर देते हैं, वही 100 फीट तालाब उसको पार करके जाना पड़ेगा, जो बहुत डिफिकल्ट है। अगर वो भी कोई पार कर लिया उसके बाद एक अंधेरा बुलबुलिया है उसको भी पार करना पड़ेगा। तो इसी वजह से आज तक ये फोर्ट को कोई जीत नहीं पाए। ये इसका छोटा सा हिस्ट्री, आगे का आप लोग वीडियो में देखें। टेम्पल है अंदर। सो गाइस, उधर भारत माता मंदिर है, नहीं चलते ना मंदिर, बुलबुलिया चलते हैं। ऑलमोस्ट पास में पहुंच चुके हैं, पूरा ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, यहाँ से ही घूम के चले जाएंगे। सो गाइस, आई थिंक ये बुलबुलिया है, मुझे नहीं पता, मैं गैस करके बता रही हूँ। चलो अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा हालत इज पता नहीं क्या हो गया, आई डोंट नो, बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं। पोटैटो पीटर लुक। चलो
ये भी भूलभुलैया नहीं है, ये है भूलभुलैया। सो गाइस, सो जैसे तैसे इतना दूर तो आ गए हम लोग। चलो पूरे टॉप पे चलते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो गाइस, इतना दूर आ गए, उस टॉप पे जाना हम लोग को, टॉप पे। चलो ऊपर चलते हैं, उधर उधर मत जाओ, ऊपर जाने का रास्ता है उधर, पक्का। चल ब्रिज पार नहीं करना, मत जाओ उधर, और कुछ So guys, कुछ ऐसा भी हुए, और भी ऊपर है लेकिन टाइम नहीं हम लोग के पास, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन हवा क्या जोरदार आ रहा है। हाँ, इधर से जा सकते हो, अगर नीचे बुल बुले आए उससे बुल घूम घूम के ऊपर जा सकते हो, एक घंटा लग जाएगा, और इतना टाइम नहीं है। तो गाइस हम लोग वापस जा रहे हैं अभी, पूरा ऊपर तो नहीं जा पाए, आगे से आगे जो भी टाइम नहीं था, अभी पूरा बंद होने वाला है, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। वापस आना इजी है, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं तो अभी सीधा गाड़ी में जाकर ना, गुड फॉर यू, लिटू स्केलेटन हो जाएगी वो तो ऐसे स्किनी है, स्केलेटन हो जाएगी। गाइस अभी गन्ने जूस ऑर्डर किए हम लोग, बैठे हुए हैं सब, और सब थक चुके हैं सब, मैं भी फुटू थक गया। गाइस हम लोग का गन्ने जूस आ गया है, तो गाइस बाहर आने के बाद लाइटिंग कर रहे हैं वहां पे, पता नहीं। खाना जीजू, पानी पूरी बाबा रे, तो खाने पूरी अच्छा नहीं लगा, तो ये मक्का चाट लेके आई हूँ, ये अच्छा लग रहा है, और आगे खा रहे हैं जलेबी। जलेबी ओके,
हाय गाइस, सो फाइनली हम लोग औरंगाबाद से सीडी आ गए हैं और बहुत लेट हो चुका है। हम लोग की गलती कर दी है, हम लोग को पहले से रूम बुक करना चाहिए था, हम लोग वो नहीं किए। तो गाइस फाइनली हम लोग रूम में आ चुके हैं, फाइनली हम लोग को रूम मिल गया। अभी हम लोग सीडी में हैं और औरंगाबाद से सीडी आ गए हैं क्योंकि हमें सीडी भी दर्शन कर, हम लोग का मैन था सीडी दर्शन करने का साईं बाबा का। सो अभी हम लोग को आते आते बहुत लेट हो गया, इसलिए मैं ना आपको रूम टूर दी ना क्या हुआ रूम क्या हुआ। तो मैं बताती हूँ, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गया। ये लॉन्ग वीकेंड था क्योंकि 15 अगस्त है ना ट्यूसडे को, तो सब मंडे को छुट्टी लेके ऐसे आ रहे हैं घूमने के लिए, कहीं भी जा रहे हैं। हमने क्या किया, रूम बुक नहीं किया पहले से, हमें लगा हाँ वहाँ जाके मिल जाएगा, लेकिन रूम मिल ही नहीं रहा था। हर जगह पे फुल 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 होटल फुल बोल रहे थे, और जहाँ पे रूम मिल रहा था वहाँ का प्राइस बहुत हाई था, बहुत हाई। और हमें बस एक नाइट स्टे ही करना है क्योंकि सुबह चेकआउट करके सुबह 5 बजे से हम लोग को सीडी साई जाना है। तो आप लोग ये गलती मत करना, कहीं भी जा रहे हो ना पहले से ही रूम बुक करके जाओ ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको घूमना ना पड़े। और रूम टूर मैं कल सुबह दे दूँगी आप लोगों को, वो वीडियो में आप एंड मतलब इसके बाद देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैं वीडियो वहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और पूरा प्राइस बता देती हूँ हम लोग को रूम कितने में पड़ा। तो हम लोग 3 रूम लिए हैं और एक रूम हमें 3000 का पड़ा, वो भी हमको बस सोना है आके और कुछ भी नहीं है। और 3000 बहुत ज़्यादा है इसके लिए। रूम भी ठीक ठाक है, ऐसे ही थोड़ा सा टूर दे देती हूँ रूम का, और डोंट जज क्योंकि रूम बहुत मेसी होके पड़ा हुआ है। तो एक छोटा सा रूम टूर दे देती हूँ आपको बैठे बैठे ही। यही है बस हमारा रूम, ये एंट्रेंस है, ये टीवी है, बेड है और एक छोटा सा सोफा है, और ये मेरा पुट्टू है। वॉशरूम बहुत क्लीन है, बस ना पानी दिए ना कुछ, मतलब सर्विस ना एकदम बहुत ख़राब है। होटल का नाम बताती हूँ, क्या होटल है, कैसा ग्रीन। मुझे तो इनका सर्विस, रूम अच्छा है लेकिन सर्विस बहुत बेकार है। सो चलो, आप लोग आ रहे हो तो सीडी का भी आ रहे हो तो पहले से बुक करके आओ, और मुझे पूछोगे तो मैं दोबारा ये होटल में कभी स्टे नहीं करने वाली, अभी आप लोगों के ऊपर है। कल मैं, क्योंकि सर्विस बहुत ख़राब है, मुझे ना सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, लोगों का बिहेवियर इम्पोर्टेंट लगता है। रूम भले ही थोड़ा छोटा हो कुछ भी हो चलेगा, लेकिन बिहेवियर ज़्यादा मैटर करता है। चलो मैं ये वीडियो को और लंबा नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। सो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो जब भी आए ना आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जाके देख सकते हो। सो गाइस गुड नाइट, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।